अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जो इंसान अपनी ज़मीन पर मेहनत ना करे, मिसाल के तौर पर आसमान से खादे ज़मीन पर गिरे, पानी आसमान से ज़मीन पर गिरे, इंसान ज़मीन पर मेहनत ना करे, गंदम पक जाए, तो उसमें से 9 मन इंसान के अपने हैं, 10वां मन उशर है। अगर इंसान उशर अदा नहीं करेगा तो इंसान का रिज्क पाक नहीं होगा। रिज्क उस वक्त पाक होगा जब इंसान उशर अदा करेगा। आजकल मेहनत इंसान करते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी पैसों का लगाते हैं, इसलिए इनके लिए हुक्म यही है। हुक्म ना किसी मौलवी का है, ना किसी खतीब का है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि ये ज़मीन मेरी है। अल्लाह फरमाता है, इसमें से इंसान जो उठाए, कमांद उठाए, चावल उठाए, गंदम उठाए, जो भी फसल उठाए, जो वो अपने घर में रख सकता है, बेच सकता है, तो उस पर उश्र वाजिब है। जैसा कि इंसान घास लगाते हैं, घास पर उश्र वाजिब नहीं है अगर वो अपने माल को खिलाते हैं, माल में से ज़कात निकलती है। अगर इंसान घास को बेचता है तो उस पर उश्र वाजिब है। जो तूड़ी होती है गंदम की, अगर वो इंसान अपने माल को खिलाए तो उस पर उश्र वाजिब नहीं, अगर वो तूड़ी इंसान बेचता है तो उस पर उश्र वाजिब है। उश्र का यही हुक्म है कि 19 मन इंसान के अपने हैं, 20वां मन उश्र है, और उश्र उसको देना चाहिए जो दीन की खिदमत करता है, उश्र उसको देना चाहिए जो बेवा औरत है, जो इस उश्र का मुस्तहिक है उस तक उश्र पहुंचाना चाहिए। बेहतर तरीका तो यही है कि अपने अहले इलाका में देखा जाए कि जो बेवा औरत है, जो गुरबा है, उनमें उश्र देना चाहिए। अगर आपके अपने गाँव में कोई मदारिस हैं तो उन मदारिस में जो बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं उनके लिए आपको उश्र निकालना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।